नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो फाइनली देर आए दुरुस्त आए, शिक्षा मंत्री जी ने कह दिया है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी जो स्कूल मीडियम है वो बंद नहीं होंगे। अच्छी बात है, होने भी नहीं चाहिए। महात्मा गांधी स्कूलों को बंद करने की अटकलों के बीच मंगलवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने साफ कहा कि अंग्रेजी स्कूलों को बंद नहीं किया जाएगा। उन्होंने पूर्व शिक्षा मंत्री पर हमला बोला और कहा कांग्रेस सरकार ने कक्षा 1 से 12 तक के इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दिए, कक्षा 6 में हिंदी का छात्र 7वीं में अंग्रेजी कैसे पढ़ पाएगा, इन्होंने बच्चों का भविष्य खराब करने का षड्यंत्र रचा है। उन्होंने कहा पुरानी सरकार में ही बच्चों का भविष्य खराब करने की नीतियां बनाई गई। रीट भर्ती में मामले में दिलावर बोले डोटासरा दोषी हो या और कोई, सभी जेल जाएंगे। डाइट में लगाए गए एमएड वैख्याता पर भी सवाल उठाए और कहा इन्हें जल्द हटाएंगे। दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा ने सोशल मीडिया पर लिखा या तो शिक्षा मंत्री को समझ नहीं है या वो प्राइवेट स्कूल के सेल्समैन बने हुए हैं। मंत्री जी महात्मा गांधी स्कूल को बंद करने का एजेंडा चला रहे हैं। तो ये बात थी महात्मा गांधी स्कूल को लेकर कि किस प्रकार से अटकलों के बीच में आप शिक्षा मंत्री ने कह दिया है कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद नहीं होंगे। तो और भी स्कीम्स हैं पूर्ववर्ती सरकार की, अशोक गहलोत की, वो बंद नहीं होनी चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।